Hey guys, welcome back to Shivshi Entertainment. So हम आ गए हैं बहुत दिन बाद आए हैं क्या? नहीं आई थी, बहुत महीने बाद आए हैं. नहीं, रिसेंटली तो ब्लॉग डाले थे. नहीं देखे हो तो जाके देखो. आप क्या करते हो? हमारे वीडियोस नहीं देखते हो, ये मुझे पता चल गया. व्यूज नहीं बढ़ता, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, नटंकी करते रहते हो. दिल के बात को अंदर में रखो, बाद में निकालना. ये सब क्या यार, बोली हमारी टीम को हटा दो यार. पता क्या है ये हमारे ट्राइपॉड का? यार मेरा चश्मा भी लोग को यहीं रखना था क्या यार? हम लोग इतने लाइक हमारे टीम मेंबर्स हमारा कुछ बात ही नहीं सुनते. तो आज का सेगमेंट क्या है शिवम? गाइस मुझे नहीं पता. एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग कुछ और करने वाले थे, आज ही पर शूट करने वाले थे, पर कुछ और करने वाले थे और मैंने शिवम को यहाँ बिठा दिया और कुछ और करेंगे हम, ये बोल के बिठा दिया. बट चैलेंज क्या करेंगे? चैलेंज तो आई गेस नहीं करेंगे, सेगमेंट करेंगे. तो कौन सा सेगमेंट करेंगे? सेगमेंट का मतलब पता है? नहीं मुझे भी नहीं पता. अच्छा व्हाटएवर, सो स्टार्ट करते हैं. तो आज का चैलेंज नहीं होने वाला, सेगमेंट है व्हाट्स ऑन माय फोन सेगमेंट. तो इसमें जैसे आपने बहुत सारे बड़े बड़े अभिनेत्रियों को व्हाट्स ऑन माय फोन सेगमेंट करते हुए देखा होगा, पर हम बड़े बड़े हैं नहीं अभिनेत्री, हम तो गरीब छोटे मोटे यूट्यूबर जिसका 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, इसलिए तो हम ये वीडियो ला रहे हैं. वही तो. पर किस दिन में 150 सब्सक्राइबर का? 150 मैं क्या बोलने वाली थी, मैं भूल गई. ओके व्हाटएवर गाइस, चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग ना थोड़ा ट्विस्ट लेकर आए हैं. सब लोग तो सेम ही करते हैं, क्वेश्चन आते हैं लोग रिस्पॉन्स करते हैं, पर हम थोड़ा डिफरेंट क्या करें? डिफरेंट करेंगे तभी ना व्यूज बढ़ेगा. वही तो. ओके तो डिफरेंट हम ये करने वाले हैं कि आज जितने भी हम क्वेश्चंस के आपको आंसर करने वाले हैं वो सारे ही लास्ट थिंग से रिलेटेड है. लास्ट थिंग क्या होता है आपको नहीं पता? यार मुझे भी नहीं पता, पर मैं बता देती हूँ, बता रही हूँ, रुको. तो लास्ट थिंग में हमें करना ये है कि कुछ सब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो सारे लास्ट थिंग से रिलेटेड रहेंगे, सारे ही सारे लास्ट थिंग से रिलेटेड रहेंगे. समझ आया? जो हवा दे रही हो. ओ व्हाटएवर, चलो अब बढ़ते हैं. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस. इधर क्या हम लोग का क्या स्क्रीन में अपना क्वेश्चन दिखाएंगे? हाँ हम स्क्रीन पे ही दिखाते हैं ना क्वेश्चंस. वही तो गाइस, हम बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो स्क्रीन पे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन देखो आप. What was the last photo you took? So, मेरा last photo मैंने कौन सा लिया था? Guys, सच बताऊँ तो I guess मैंने कोई photo नहीं लिया था, एक video लिया था जो मैंने शिवम का लिया था. तो गाइस मैं खा रहा था, ये बेमतलब भाई मेरा ले ली थी. एक्चुअली हुआ ये कि शिवम मुझसे गुस्सा था और वो रसगुल्ला खा रहा था, क्योंकि मैंने दो खाया और शिवम भी दो खाया. हाँ शिवम भी दो खाया और इसलिए मैं भी इससे गुस्सा थी, ये भी मुझसे गुस्सा था और ये ऐसे ऐसे खा रहा था और बहुत अजीब लग रहा था. नहीं मैं उसका फेस कितना अजीब लग रहा था, तो मैंने वही सूट किया. बट सॉरी शूट, ये मेरे को क्या हो गया? एक्चुअली पता है मैं आज क्या खाई हूँ? गोलगप्पा. मैं भी खाया हूँ भाई. यस बहुत दिन बाद खाए. बहुत दिन बाद खाए ना? हाँ यार बहुत दिन ही बाद खाए, एक हफ्ते बाद. अच्छा सुनो, तो मैंने एक वीडियो लिया था और एक मैंने इमेज भी लिया था, बट वो मैंने 24 जुलाई को लिया था. एक्चुअली क्या यार तेरे पास मेरे को कोई फोटो ही नहीं है. मैं अपना नहीं लेती हूँ गाइस, मैं बता दूँ कि मैं अपने इमेजेस नहीं खींचती हूँ. इसको बहुत इमेज खींचने का शौक है, एकदम मम्मा की तरह. तो स्नैपचैट से लेने का शौक है. स्नैपचैट कौन सिखाया था बच्चे? मैं अपने ऐप्स में ये सब डाल डाल के. सच बताओ कौन सी था? तुम. हाँ ओके. सो एक इमेज है एक्चुअली शिवम का, आप जानते हो वो व्लॉग जो मैंने बनाया था फिट किड वाला, तो उसने मुझे उसको अपलोड करना था. तो मैंने एक मुझे नहीं पता था कैसे उसे लाइक लिखना है, तो इसीलिए मैंने एक जन का इमेज क्लिक किया सो डैट मैं इधर देख देख के टाइप कर सकूँ. हाँ आपको उस पर्सन का नाम तो नहीं दिखा सकते, बट यस जो उसने लिखा है नीचे में वो दिखा सकते, वो आपको मैं दिखा दूँगी, आप देख लो. ओके सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं. हम लोग क्या सोल्जर है जो बढ़ते हैं?
पौधा भी बढ़ता है तो पता लग सर्चर्स होते हैं। अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लास्ट टेक्स्ट मैसेज यू रिसीव्ड। लास्ट टेक्स्ट मैसेज आई डोंट नो एक्चुअली। देखो वाइस पर बस इसका ही फोन है, इसको ही नहीं पता है। ओ यस 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 यस, ओ माय गॉड, ओ माय, आई गॉट इट। एक्चुअली पहले तो कोई मैसेज नहीं था जब मैं ये वीडियो शूट करने वाली थी, अभी जस्ट एक मैसेज आया है। वो मैसेज मेरी एक फ्रेंड ने लिखा है। एक्चुअली मैंने पूछा था कि मैंने अपने स्टेटस पे डाला था कि व्हाट वीडियो यू वांट नेक्स्ट, क्योंकि अभी तक हमारा कम्युनिटी पोस्ट चालू नहीं हुआ था, हम आप लोग से तो पूछ नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने पूछा था और मेरी फ्रेंड ने लिखा है एनी प्रैंक वीडियो। सो तुम बहुत लेट हो गई, मैं हमने पहले ही वीडियो शूट कर लिया है। सो कोई नहीं, कोई भी नहीं, हम लोग इसके भी वीडियो को, मतलब ये जो मुझे सजेस्ट किया, हम वो भी बनाएंगे कभी ना कभी। भाई ये दीदी ऑनलाइन है। माय गॉड शी इज ऑनलाइन, यार वो ऑनलाइन है। देखो मैं इसको ओके टाइप कर देती हूँ। तो ऑब्वियसली वो लोग को प्रैंक वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, इसलिए वो ना लिख रहे होंगे। और फिर मेरा एक ग्रुप है, उससे भी मैंने मैसेज मुझे मिला था। एक्चुअली मेरे ग्रुप में सब लोग बकबक करते रहते हैं ना, सो मैं नहीं ज़्यादा करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली। क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हो, इसलिए वो लिखे हैं कि एक और प्रैंक वीडियो करने के लिए। मैं किधर का बात करी, तुम किधर का बात करो, तुम मुझे जा सकते हो। तुम दिल्ली का बात करी, तो मैं कोलकाता का बात कर रहा हूँ। गाइस इसके बातों पे मत जाओ, इग्नोर हिम। ओके सो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लास्ट नोट यू टुक। सो गाइस मैं पहले नोट्स तो नहीं लेती थी, बट अब मैं ले रही हूँ, क्योंकि देखो कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना जो आपको बहुत दिन तक रखना पड़ता है, सो डैट वो कहीं घूम ना हो जाए। जैसे मेरे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं ग्रामर में, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, तो उसके लिए मैंने एक नोट का ऐप डाउनलोड किया था, वो गूगल नोट्स था शायद, कीप नोट्स। तो डिलीट कर दी क्या? नहीं है तो, तो उसमें मैंने रिसेंटली नोट्स तो नहीं डाला था, कुछ दिन पहले डाला था, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, तो उसका मैंने पेपर्स को एज अ नोट सेव करके रखा था, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यस एंड फिर मैंने एक चैलेंज का भी नोट डाला था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड लोग ने ये चैलेंज मुझे भेजा था और ये बहुत वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका बस एक जी हम भी किया था ना इसको। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं। ये डेयर कितना बेकार था। अच्छा शांत हो जाओ, अब आपको डेयर नहीं बताना क्या आया था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू गूगल्ड है। गूगल, ओके सो मैंने गूगल आज ही किया था बहुत सारे चीज़ों को। लेट्स सी क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, आपके सामने देखेंगे। ये है मेरा गूगल, गूगल चालू हो ना गूगल, गूगल। हाँ एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन से निकाला था, व्हाट्स ऑन माय फोन क्वेश्चंस, जो आप इधर देख सकते। भाई गाइस पहले देख ही नहीं रहे कितना तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा, रुको रुको मुझे क्लियर कर देने दो। वैसे भी हम लोग का न्यू फोन है ना अभी। अरे भाई आ गया तो। हाँ ये तो डिस्टर्ब, ये लड़का ना बड़ा तंग करता है मुझे। ये देखिए टॉप सर्च में वही है, उसके बाद मैंने सर्च किया डेली करो, ये इस पे कुछ वीडियोज आते हैं, तो मैंने उसके लिए डेली करो सर्च किया था। एंड उसके बाद देखिए मैंने क्या सर्च किया है, गोबा। एक्चुअली मैं आज गूगल असिस्टेंट से बात कर रही थी, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा अतरंगी शतरंगी बोल दूँ, तो मैंने उसे गोबर बोला था। और वो सर्च में वही दिखाई थी। हाँ गाउज। और उसके बाद और एक तो मैंने सर्च किया था, ये देखिए कुछ आज ही रिसेंट सर्च है, मैंने एक लिखा था, मैं आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखा दूँगी, तभी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, उड़ू तुरु प्लीज रिपीट दिस लाइन, मैंने उसे ये कहा था, उड़ू तुरु प्लीज रिपीट दिस लाइन। क्या भक्ति रहती है ना गूगल असिस्टेंट। और फिर मैंने डू यू नो ऋषिदेव भी लिखा था, ऋषिदेव को आप जानते हो ना। हाँ वो हमारे चहीते रिमोना ब्लॉग्स के कौन है, कोई है बस एक मेंबर है पहले रिमोना ब्लॉग्स के ब्रदर। यस मैं हूँ तो तुम क्या। अच्छा व्हाटएवर, चलो और भी आपको देखना है क्या? नहीं नहीं और नहीं दिखा सकते, कुछ भी लिखती है गाइस इसमें बोल रही है। चलो पीछे चलो, अपने पोजीशन पे चलो, इतना पास हम आ जाते हैं ना कि हम जोकर की तरह दिखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन? ये बाबा क्वेश्चन मैंने हटा दिया, गाइस का दिमाग पता नहीं कहाँ चल जाता है कभी। थोड़ा जोर से बोलो, गाइस को सुनाई नहीं देगा, इतना आस्ते से बोलोगे तो तुम्हारा बेइज्जती ना हो जाएगा अगर मैं जोर से बोलूँगा तो। अच्छा तो उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट्स योर मोस्ट यूज्ड इमोजी? गाइस मैं पहले बता दूं, मैं इमोजी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, ये यूज़ करते हैं मम्मा। कभी भी यूज़ नहीं, मम्मा भी यूज़ नहीं करती इमोजी, मम्मा तो बिल्कुल भी नहीं करती है। मैं अभी रिसेंटली इमोजीज यूज़ करना स्टार्ट की हूँ, सो हाँ है कुछ इमोजीज जो मैं यूज़ करती हूँ। जो भी इमोजीज मैं आपको यहाँ दिखा दूँगी, एक्चुअली मैं देखती हूँ कौन कौन से। ओके सो कहाँ जा रहे हो तुम? एक तो मेरा फेवरेट इमोजी ये वाला जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, एक ऐसा स्माइल सा हंसी है। तो मैं स्माइल ही मत करो, ये बड़ा अजीब सा हंसी है। और एक ये भी है, बट ये वाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, पहला वाला यूज़ करती हूँ। एंड एक तो ये वाला मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं हर समय रोती रहती हूँ, सो यस। एंड हर्ट वाला इमोजी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि सबसे बेकार इमोजी है। यस नहीं, एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स लोग कुछ डेयर्स कर रही थी, उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ा। एंड और भी मैं यूज़ करती हूँ, जैसे ये वाला, नहीं वाला नहीं यूज़ करती मैं। हाँ मैं फिर ये ऊपर में हाथ दिखाने वाला होता है ना इमोजी, मैं यूज़ करती हूँ। थ्री कलर्स यूज़ करती हूँ, हैंड नहीं, मैं तीन तो कलर यूज़ करती हूँ। मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ना कि देखो, मेरे को जैसे मैं अपने मामा से पढ़ती हूँ, तो मुझे उनको जैसे कुछ भेजना है कि ये मुझे पढ़ाना है आज, तो मैं ऐसे ऐसे करके, फिर मैं अपने नाना जी से मैथ्स पढ़ती हूँ तो उनको मैं मतलब सब ट्यूटर को अलग अलग ऐसे महान व्यक्ति है ये। यस तो बस इतने इमोजी, ज़्यादा नहीं है। और फिर ये जो है ना नमस्कार वाला इमोजी, ये तो मुझे मिलता ही नहीं है, हमेशा मेरी मम्मा को ढूंढ के ये इमोजी देना पड़ता है मुझे। मैं मैं फिर ये सब जो होता है ना, एक तो क्या बोलूँ अब, ऐ तू चुप रह रे, ये वाला मैं कभी करती नहीं हूँ। बट मेरे जब मैं मायापुर गया था तभी मुझे बहुत परेशान की, वो भी ये सब इमोजी डाल के, तुम्हें याद नहीं है? मैंने ये नहीं डाला था। तो मायापुर में क्या डाली थी? ये इमोजी डाली थी। हाँ तो मुंह बंद करो, तो मुंह बंद करो। मुझे मार रहा है। चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, हम बकबक करते रहेंगे। तो हाँ मैं बता रही थी कि मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स लोग यूज़ करती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई दे देती हूँ। तो मैंने कुछ डाउनलोड तो किया है, शिनचैन वाला थे। हेलो थैंक यू, फेवरेट कार्टून शिनचैन ही है भाई। फिर गुड मॉर्निंग और प्लीज, और फिर एक दया बहन वाला जो है ना ऐसा, सॉरी और सूरी, कहता साड़ी की सूरी। अरे नहीं, सूरी तो अनुपमा में होता था ना, सूरी। आई डोंट नो। और फिर ये सूरी। फिर एक तो है ना, एक कहानी है जेठालाल से, मैं तारक में तो बोलने वाली थी, जेठालाल उसका एक है ना चुप हो जा साथी फेल, वो वाला भी बहुत फेमस था, तो मैंने उसका भी लिया है अभी तक, और ज़्यादा नहीं। और एक तो ये मस्त जोक मारा रे, देखो बोलते मस्त जोक मारा रे, इसका बहुत अच्छा लाइन होता है, बोलो बोलो एकदम मस्त जोक, तू हंस रहा है तुम्हारा हंस। अच्छा तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है, ये वाला जोक बहुत अच्छा लगा था, मतलब ये जोक ही नहीं क्या था। व्हाट्स योर होम स्क्रीन फोटो? होम स्क्रीन फोटो कुछ भी नहीं है गाइस का। है क्या ये वाला है? तो गाइस के सामने पेश कीजिए, ये देखो गाइस ये वाला, ये एक्चुअली मैंने रन अवे जो फिल्टर है उससे बनवाया था, ये हटो दूर जाना तब ना क्लियर होगा इधर, ये देखो क्लियर हुआ। हाँ ये देखो, ये एक्चुअली मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी तो आपको करेक्ट वे में दिखेगा, ये एक्चुअली आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये मैं एक लोकेशन पे हम दोनों का एक इमेज को ब्लैक की थी, ये जो इमेज है ना जो आपको अभी दिख रहा है, ये वाला इमेज हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल पे लगा हुआ है, तो उसे जाके देखो। और फिर मैंने इसे जस्ट ब्लैक करके एक इधर लगाया था। यस एकदम गाइस क्या मस्त इमेज है ना। फिर मैं इसे रनअवे भी बनाई थी, एक तो जो मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे डाला है, तो अगर नहीं देखो तो जाके उसे देख लो, मतलब देख ही लेंगे भाई, लाइक भी कर देना जो आप भूल जाते हो, करोगे ना? करोगे ना? अरे क्यों नहीं कर रहे हो, इस वीडियो को तो पहले कर दो, अभी मजा आओ, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, अगर वो लोग कर लिए होंगे तो फिर वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे, वही तो।
चलो आगे जा। अब 1-2 हटा देंगे, जो बाकी रहेगा वो हो जाएगा अंदर का सब्सक्राइबर। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैं जितने भी चीज़ आपको दिखा रही हूँ सब मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी, बट मेरे को तो शौक है ना मैं सामने जाके दिखाऊं। बहुत महान शौक है इसका। फिर क्वेश्चन गायब हुआ। हाँ अब आए क्वेश्चन। उसके बाद है 7th नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज योर लास्ट फूड डिलीवरी। ओके सो गाइस मैं सच बताऊँ तो हम लोग फूड डिलीवरी प्रिफर नहीं करते हैं, हमने कभी ट्राई नहीं किया है। और आपको लग रहा होगा मैंने तो एक वीडियो डाला था, यस मैंने वीडियो डाला था क्योंकि मेरे मामा लोग करते हैं, मेरे मामा लोग बहुत ही इन रेगुलर बेसिस करते रहते हैं, बट हम लोग नहीं करते, हमारा फैमिली एकदम नहीं करता है ये चीज़, क्योंकि एक हमें नहीं पता ना कहाँ से खाना किस तरीके से आएगा। ऐसे मुझे पता है बहुत सारे जगह बहुत अच्छी तरीके से खाना प्रोवाइड करते हैं, बट हम लोग नहीं करते क्योंकि हमारे घर में रोज़ खाना बनता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ जो लोग खाना मंगवाते हैं, ऐसा नहीं है, बट यस हम लोग नहीं यूज़ करते, क्या पता नहीं आए कुछ गलत खाना आ जाए या कम आ जाए ज़्यादा आ जाए, उसको लेके बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, खाना को हटा देते हैं मतलब मंगवाते ही नहीं है गाइस। एंड एक बार मेरे जो अंकल है वो मंगवाए थे अपने स्टाफ को बोल के कि एक बार ट्राई करते हैं ना, हम लोग नहीं ट्राई किए तो नए नए चीज़ को तो ट्राई करना चाहिए, बट हुआ वही जो सबके साथ होता है, पोपट। ओके तो पोपट ये हुआ कि उनके स्टाफ ने एक ऐसा डिश ऑर्डर कर लिया ना जो डिश हमारे अंकल खाते ही नहीं है, एंड इसीलिए वो डिश मेरे स्टाफ मतलब उनके स्टाफ को खाने मिल गया एंड मेरे अंकल नहीं खा पाए। तो अंकल के स्टाफ यस एकदम मस्ती में खा रहे थे, बट हम लोग ने कभी ऐसा किया नहीं है, सो यस हमने ट्राई नहीं किया। हाँ पता है हम लोग जब भी ट्राई कर, मैं 2-3 बार ट्राई की थी है ना, हमें मेरे को बहुत भूख लग रहा था, मैंने घर का कुछ नहीं खाना है, मुझे कुछ बाहर का ही खाना है, तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, बट वहाँ पे अभी तो यहाँ पे लॉकडाउन था, जब भी मैं ट्राई करती हूँ तो लॉकडाउन रहता है, इसलिए कुछ शॉप्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ शॉप्स के कुछ आइटम ख़त्म हो गए थे, कुछ शॉप्स का डिलीवरी बहुत लेट दिखा रहा था, तो इसलिए मैं नहीं करी। तुम तो हर ही दिन नया बात नहीं है गाइस, हर दिन बाहर का खाना खाती है। आज भी खाई मैं मैगी, गोलगप्पा, रसगुल्ला। मैगी तो बहुत कॉमन डिश हो गया है, तो उसको खाने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं रोज डाट खाती हूँ मम्मा से मत खाओ वो सेहत के लिए अच्छा नहीं, बट मुझे हाँ, पसंद है। हिंदी में बोलते मैगी खाने बस अब अपनी हिंदी में उनका प्रवचन मत सुनाइए गाइस, मैं उसको बेइज्जती कर दूंगा आपके सामने, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा 8th क्वेश्चन है, वेयर डिड यू गो द लास्ट टाइम यू यूज्ड अ कार सर्विस। याद नहीं अच्छे से, कार सर्विस हम यूज़ करते थे लॉकडाउन से पहले, यूज़ किए थे बहुत बार, क्योंकि जैसे हम जब मेरी आंटी आई थी ना आनी, तो जब वो आई थी तब हम लोग, वो एक्चुअली इधर की नहीं है स्टेट की, तो हम इन्हें उन्हें ना यहाँ पे घुमाने ले जाते थे नई नई जगह पे, तो हम उनके साथ भी जाते थे, बट उसके बाद कार सर्विस मैं नहीं जानता। कार से जाना नहीं, लॉकडाउन में हम लोग कार से नहीं गए हैं, लॉकडाउन में तो नहीं गए, बाइक प्रिफर की है, कार नहीं अभी तक की है। मतलब हुआ ये कि हमारे नाना जी चाहते थे कि हम थोड़ा सा ज़्यादा फील करें कि कितना मेहनत से हम वहाँ पहुँचते हैं, तो उसके लिए हम ट्रेन से गए थे, और एक्चुअली वहाँ पे कार्स भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, हमने बुक करने का कोशिश किया। क्या लैम्बोर्गिनी से जाते क्या? लैम्बोर्गिनी तो नहीं जाते, कैब तो बुक कर लेते ना, बट नहीं हुआ कि हम बहुत ज़्यादा पीपल जा रहे थे ना, तो 2-3 अलग अलग बुक करना पड़ता, और ऑब्वियसली बहुत कौन से पहले पहुँचेगा कौन से बाद पहुँच जाएगा, कुछ कुछ जन मायपुर गए थे हम लोग में से, कुछ कुछ नहीं गए थे, तो इसको लेके प्रॉब्लम थी, इसलिए हमको एक साथ जाना था, तो हमने ट्रेन प्रिफर किया। ट्रेन से जाने में क्या मज़ा आता है तो हमें याद नहीं है एक्चुअली हम लास्ट टाइम कब गए थे कार सर्विस से, क्योंकि लॉकडाउन में तो हम एक बार भी कार सर्विस से नहीं गए, मुझे ये तो क्लियर है, उससे पहले गए होंगे। ओके 9th, हाउ मेनी अलार्म्स डू यू हैव सेट। अलार्म्स नो, अलार्म्स नहीं है मेरे पास, मैं अलार्म्स से यूज़ नहीं करती। रुको मैं आपको एक सौ चीज़ दिखाती हूँ स्क्रीन पे, देखो ये देखो मेरे अलार्म पे जा रही हूँ, मैं क्लॉक पे जा रही हूँ, ये देखो यहाँ पे अलार्म पे मैं गई, मैंने 2 अलार्म लगाए थे, तो हर बच्चे लगाते हैं यार, जैसे उनका होता है ना कि आज हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे इतने समय में, कल हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, सब ये सोचते हैं, बट गाइस होता नहीं है। सो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, मैंने टाइमर सेट किया बट नहीं हुआ, टाइमर भी नहीं हुआ, अलार्म भी वेस्ट किया। सो यस मेरे पास 2 अलार्म है, ये देखो
बट ये मैंने ऑफ करके रखा क्योंकि बहुत दिन बज रहा था। अच्छा लगता है यार, मैं तो 11 बजे तक सो ही जाती हूँ। एक तो 10 AM और एक तो 11 AM। ये तो अभी संडे का लगा हुआ है, देखो देखो संडे का। गाइस संडे को बहुत संडे को मैं नहीं सो, अब नहीं सोती, पहले सोती थी। पहले मैं 11 बजे तक सोती थी। हाँ मेरा संडे बहुत पैकअप रहता है पूरा शाम में। मुझे को आप फ्री पाओगे ही नहीं। सब लोग यूट्यूबर संडे के दिन वीडियो शूट करते हैं, मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं शूट करती। मैं क्या कुछ भी आज मेरा हिंदी क्यों ऐसा होंगे? पहले में तो तेरे शुरू में तो तेरा हिंदी ऐसा था नहीं, तेरे साथ रह रहा कि मैं बिगड़ गई। मुझे तेरे से भी बहुत तुगना गिगना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस अच्छे से ज़्यादा नहीं बोलते, कम ही बोलते, पॉइंट बाई पॉइंट आंसर। ओके सो 10th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लास्ट वीडियो यू टूक? अच्छा वो वीडियो मुझे दिखाना ही पड़ेगा लगता है। नहीं भाई पहले बस बोल दो फर्स्ट। हाँ लिया तो है लास्ट वीडियो। दिखाएंगे भी ना, कितना भी होगा हम लोग का टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। नहीं है गाइस, शिवम अभी पता क्या कर रहा है? गुल्ली मुझे तो दिख रहा है ना, पता नहीं क्यों यार मेरा हमेशा ना टू टू मेरा मैसेज ही आने लगता है। डंकी नहीं होता उसकी तरह। अब आपको मैं दिखाऊंगी, अब मुंह छुपा रहा है, टूकी टूकी के करती है। सही है, मैं मुंह भी देख रही हूं क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। मैं मैसेज ही दिख रही हूं, वीडियो नहीं दिख रही है। तुम पागल हो, मानना नहीं मानना नहीं मानना नहीं मानना। कैसे कैसे फीलिंग है इससे? कौन है मम्मी? देखो मार रहा है आपके पति को। ये मारा एक्चुअली हुआ ये कि मैंने बोला मेरी मम्मी को, मतलब मेरी ग्रैंड मदर को, कि मम्मी देखो मुझे मार रहा है। वो फिर मेरी ग्रैंड मदर बोलती है, अच्छा ही तो कर रहा, तुम्हें मार रहा है, तुम्हें मारना ही चाहिए। गाइस की हरकत से हम लोग की जो मम्मी है, मतलब जो ग्रैंड मदर है, वो परेशान हो गई है। कर लो बेइज्जती मेरा, वही तो मैं कर रहा हूँ, तो करूँगी इसको ना। अगर किसी को रोस्ट करवाने बैठाना है ना तो बिठा दो ये तो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा नहीं है, 11वां क्वेश्चन है। अच्छा 11th, व्हाट इज योर फेवरेट क्या है? स्नैपचैट फीचर। अरे रुको यार, अच्छे से पढ़ने दो। व्हाट इज योर फेवरेट स्नैपचैट फीचर? ओके तो तुम्हारा क्या है? मेरा तो एक सच बात बताओ, मेरे फोन में मैंने स्नैपचैट नहीं लगा, मम्मा के फोन में मैंने रखा है। तो हम लोग वैसे भी वीडियो शूट कर रहे हैं। यस तो अभी हम लोग वैसे भी नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते हम, बाद में दिखा सकते ना, यहाँ पर भी दिखा देंगे आप देख लो। पर मेरा सबसे अच्छा है जो गोवा वाला जो चश्मा पहनती है, यहाँ पे पैरट बैठा रहता है ना, वो वाला। वो गोवा में रहता है बाबू? अरे गोवा वाला चश्मा, गोवा वाला चश्मा नहीं होता है, कोई सनग्लासेस पहन के यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं पैरट, वो मेरा बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये बहुत सारी इमेज उसमें क्लिक करता है। एंड मुझे एक तो है जहाँ पे यहाँ पे डेट दिखाता है वो वाला, और एक मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी एक्चुअली डेट दिखाता है। हाँ एक डेट वाला भी फिल्टर फीचर है, एकदम स्टार्टिंग में आता है, स्टार्टिंग में एकदम सा। यस और मुझे बिल्ली वाला, ओ और एक है जो एक तो नहीं होता नकली आईब्रोज आ जाते हैं, वो वाला बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक तो है तुम्हारी ये जो चीज़ होती है ऐसे पतला हो जाता है, वो बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको तीनों यहाँ दिखा दूँगी, मेरे तो तीन है, शिवम के एक है, एक है दो 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 है या उससे भी ज़्यादा भाई है। हाँ फिर मैंने इसको एक बार मैं एक स्नेक वाला की थी, ये भी एक बार स्नेक वाला किया था, दोनों का सेम ही था है ना। हाँ यार बहुत सच में, पर डरावना बहुत था। वो स्नेक कैसे आके हम लोग का सच में रियलिटी में कैमरा ही ला दिया था वो वाला, उसमें मुझे डर नहीं। मेरे को ऐसा था ना यहाँ से स्नेक निकलता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी कितना डरावना लगता है। और वो कॉकरोच वाला, कॉकरोच वाला, यस यस बाप रे, छी हॉरिबल भाई। कौन नोज में मेरी बात सुनो, मैं ही एडिटिंग करती हूँ, मैं इसका ना वॉइस ही काट दूंगी, चुप ही रहे। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट ऐप यू डाउनलोडेड? एजल रिकॉर्डर। हाँ अभी जस्ट ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने डाउनलोड की थी, सो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग अच्छे से कर पाऊँ। ये देखो अभी जस्ट
डाउनलोड अभी जस्ट ही की हूँ। और उससे भी अगर पहले का जानना है तो जियो टीवी। इफ एक्चुअली मैं वो देख रही थी कल, सुपर डांसर देखना था मुझे लाइव, तो मैंने उसके लिए सुपर डांसर का नशा क्यों पकड़ लिया है। तुम पॉटी कर रहे हो? ऐसे मैं भी सुपर डांसर कुछ दिन से देख रही हूँ, तो फ्लोरिना कितनी क्यूट है एंड बाकी सारे बहुत प्यारे हैं भाई। बाकी उसको मुझे नाम याद नहीं है, तो सचिन भी बहुत सारा डांस करता है, छोटा सा बच्चा है। बच्चा ही है ना? हाँ बच्चा ही। साथ डांस करता है? एक लड़की के साथ। बड़ी है वो वर्तिका झा, वर्तिका दीदी है, वर्तिका दीदी है। भाई अब हम लोग वीडियो अपना एंड करें? नहीं एंड करें अभी, कुछ मेरे को बताना है एक स्टोरी। प्लीज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, क्या आप इमोशनल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कुछ इमोशनल मेरा है ही नहीं। अच्छा तो आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये दिख रहा है, ये देखो मेरा यार कैमरा क्यों आ रहा देखो मैं क्लियर करती हूँ, रुको हमारा कैमरा थोड़ा सा अजीब सा है ना, ये देखो यहाँ पे देखो स्क्रैचेस आ रहा है। इसका एक बहुत ही बड़ा स्टोरी है एंड फिर ये देखो इधर, मैं इसका आपको इसका स्टोरी बताती हूँ, मैं बता रही हूँ। चलो एक बार पीछे, एक साल हो चुका है, चलो इधर। स्टोरी ये है कि ये जो मैंने अभी आपको साइट्स वाले दिखाए हैं एजेस वाले, उसमें हुआ ये कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मेरा पेपर छूट रहा था, तो मैंने इसको ऐसे उखाड़ दिया दोनों से। और इसका बहुत ये जो मैंने यहाँ पे स्क्रैचेस दिखाए हैं उसका थोड़ा सा डरावना है। डरावना नहीं, मतलब इससे पहले भी मेरा स्क्रैच हुआ था तो मैंने पापा को बताया था एंड पापा बहुत ज़्यादा एम्बेरेस हुए थे कि क्यों हुआ। एक्चुअली मेरी बहन के कारण हुआ था, चीको गिरा दी थी इसे। एंड ये जो बिस्तर मैं रखी थी मेरी भी फॉल्ट थी थोड़ी मोड़ी, सॉरी सॉरी खुश। इसको अपने बहन के खिलाफ कुछ नहीं सुना, अपनी दीदी के खिलाफ सबको सुनना है। वही तो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा तो ये जो इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज आए हैं, मतलब गाइस मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, बस क्या कर सकते हैं। पता इसका स्टोरी कितना लाइक एम्बेरेसिंग है आपके लिए भी मेरे लिए भी, कि हुआ ये कि मैं अपने भाई के बर्थडे पे गई थी, मतलब मेरे कज़िन के बर्थडे पे, एंड मैं इसे अपने बैग में लेके गई थी। मैं मेरा उस दिन एग्ज़ाम था, उसके नेक्स्ट दिन कंप्यूटर प्रैक्टिकल कंप्यूटर थ्योरिटिकल का, तो मैंने उसके लिए लेके गया था इसको बैग में घुसा के। एंड पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है मेरी मामी को ऐसा लगा हो या कोई भी हो जिसको लगा हो कि बैग में नॉर्मल बुक्स, उसने इसको ऐसे करके कहीं रख दिया, कहीं मतलब जंगले के उधर रख दिया। एंड मैं जब वहाँ से उठाई, घर जब आई तब मुझे पता चला वहाँ पे स्क्रैचेज हो गए हैं। अब उसमें मेरी फॉल्ट ज़्यादा थी यार, मैं बता ही नहीं किसी को हुआ है क्या, जो गिर नहीं, एक्चुअली वो मैं नीचे रखी थी ऐसे करके, एकदम बैग के नीचे था, उसके ऊपर से बुक्स था और कुछ था, कोई ऐसे रख दिया होगा तो ऑब्वियसली ऐसे जाके गिरेगा तो नहीं टूट जाएगा। उससे पहले नहीं था एकदम, एकदम नहीं था, एकदम न्यू था, मैंने अभी रिपेयर कराया था, नहीं पता पापा नहीं करवाए थे। यस पर अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहे इसके कारण, बट अच्छा नहीं लगता यार, इरिटेटर होती हूँ कुछ नहीं। बट ये फ़ोन मेरा बहुत साथ देता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मेरे को कंप्यूटर में बैठना नहीं अच्छा लगता क्योंकि मेरा पीठ दर्द होता है, ये बैठता है इसका नहीं दर्द होता, बट इसका आईज़ में पड़ता लाइट है ना, क्योंकि कंप्यूटर का प्रॉब्लम ये कि उसका फ्लैश लाइट ऑफ नहीं होता ना, मतलब कम नहीं हो सकता ना, इसलिए स्क्रीन का लाइट कम नहीं होता है। फ़ोन में मैं कंफर्टेबल कहीं से भी ऐसे से बैठ के कोई भी पोस्टर से क्लास कर सकता हूँ, कंप्यूटर में एकदम भद्र जैसा बैठ के क्लास करना पड़ता, वो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता गाइस। सो गाइस हम अपना एंडिंग बता दें, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं सरफ करता हूँ, 1 2 3 गो। सो गाइस डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको हमारी इस एंडिंग के बाद आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स भी देखने मिलेंगे, कुछ ब्लूपर्स मिलेंगे, देखने देख लेना तब भी जाना। चलो एंडिंग कर देते, आ जाओ क्या बोलते हैं। तो बाय गाइस, सो बाय। ओ ये याद आ गया मैं भूल गई। ओके सो बाय एंड नमस्ते, ठीक रहना, हाथ सैनिटाइज करो, वीडियो देखे हो सैनिटाइज करो, अब ब्लूपर देखो। अरे ये भी एक ब्लूपर से कम नहीं है।